लॉकडाउन में सरकारी मदद के नाम पर ऑनलाइन ठगी का काम बदस्तूर जारी है और इसी प्रकार की ठगी का शिकार पिशकर के यहाँ पर तिराहे पर रहने वाले ये साधु महाराज हुए हैं, जिनका श्यामा महाराज नाम है। और इनका साफ कहना है कि इनका जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, जिस तरह से इनको भावना में लिया गया कि मोदी की ओर से पैसा भेजा जा रहा है और कोई पैसा नहीं भेजा गया, और 2-2 हज़ार करके लगभग 50 किस्तों में इनका करीबन 15 दिन तक ये खेल चलता रहा। ये बदस्तूर उनको ओटीपी नंबर बताते रहे और इनके साथ ठगी का एक ये खेल चलता रहा और इन्हें भनकते नहीं। लेकिन जब बैंक जाकर इन्होंने अपना स्टेटमेंट निकाला तो इनके जो ज़मीन थी वो निकल गई और इनको पता तब जाकर पता चला कि ये ठगी का शिकार हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से पीड़ा हुई, क्या कहेंगे, कैसे पूरा ये होगा, कहाँ से शुरू हुआ ये बताइए। फर्स्ट ट्रेनिंग के साथ शुरू हुआ आपका, मेरे उससे फर्स्ट ट्रेनिंग पता नहीं क्या नंबर आया। मैं कहाँ से बोल रहे हैं, मैं जैसे बोले मैं शिव जी बोल रहा हूँ पुष्कर का। को आप एटीएम कार्ड मिला, मुझे एटीएम कार्ड तो मेरे पास है नहीं है। कोई एटीएम कार्ड जल्दी ले लो बैंक से जाके, हम इसे एटीएम कार्ड हम दे देंगे आपको, एप्लीकेशन जमा करो बैंक में, एटीएम कार्ड मिल जाएगा। फिर गया था एटीएम कार्ड, फिर धीरे धीरे कोशिश करके हम एटीएम कार्ड मिल गया। इसके बाद मैं आ गया 4-5 दिन के बाद एटीएम कार्ड मेरे पूछ रहे क्या, तो आप एटीएम कार्ड मिल गया, उनको मिल गया। पीछे का नंबर था उनके साथ फ़ोन बोल रहे, तो मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर अनपढ़ आदमी से पता नहीं बैंक में हो सकता है, बैंक से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया पीछे का, फिर और पीछे का नंबर दिया लास्ट का। फिर बाद में मेरे ख्याल से 7-7 नहीं 2 दिन का बाद फिर बोलता आपको फ़ोन करो, कोई घर में नहीं बाहर में, उनको घर में हूँ अभी। तो घर में बोले को आपका पेन है, उनका पेन तो है। फिर एक पेपर लिए, पेन लिया, लेने के बाद इस नंबर लिखते लिखते सीरियल नंबर लिखते शुरू कर दिए। बोले आपको दो बार का बाद, 2 सेकंड 1 सेकंड का बाद आपको नंबर आ जाएगा, मैसेज नंबर 4-6 अंकों करके ये लिख के मेरे को बताना। हम ठीक है सर, बहुत मीठे मीठे बात करते हैं। तो मैं सोचा मीठा से मतलब नाम तो कड़ा भरा है सब मीठे से, तो मीठा मीठा में बोलना चाहिए। फिर मैं इसके करते करते मैं लिखते एक दिन लिख दिया 1st तारीख में, हो गया अपना 14 नंबर। फिर नेक्स्ट में आ गया, फिर वही इससे टाइप का, उनके साथ क्या नंबर लेकर है, कौन है, लिखो आपका फायदा रहेगा, बैंक का भी आपको पहले जो बुकिंग था उसको कट जाएगा। ये भी दिया नेक्स्ट का दिन तीसरे बार में मेरे को, फिर बताया उनको मोदी का जो पैसा आ रहा है जैसे लॉकडाउन चल रहा है। इसके बाद मेरे को बोल रहे बोलते आपका मोदी का पैसा आ गया, मैं भेज रहा हूँ। हम तो आप भेज रहे हो पैसा, हाँ हम भेज रहा हूँ। फिर आप कहाँ से बोलते, फिर बोलते फिर बैंक से, हमको कितना झूठ का बात है बैंक से, फिर बोलते वो पैसा भेज रहे मोदी का पैसा भेज रहे। अभी ये बताइए कि कितना पैसा आपका निकल चुका है? 1 लाख रुपया निकल, करेक्ट। कितनी किस्तों में निकला ये? 3-4 किस्तों में, 2-2 हज़ार करके कई बार। हाँ 3-4 किस्तों में, मेरे ख्याल से मैं देखा नहीं पाया पूरा, 3-4 किस्तों में पूरा निकल। और ये जो व्यक्ति है लगातार आपके संपर्क में है फोन पे? नहीं संपर्क तो मैं तो बोला आपको सो गया 2 महीना मेरे ख्याल से, एक बार 1-2 महीने पहले मैं फोन गया था 1 महीना पहले। तो अभी अभी जो है लास्ट टाइम अभी आपकी बात हुई है, क्या क्या बोल रहा था वो लास्ट टाइम? तो मेरे को चेकिंग करने के बाद मेरे को पैसा नहीं है। नहीं अभी जो वर्तमान में आपकी बात हुई, क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच? हाँ दोनों के बीच तो मेरे को बोल रहे हैं, बोलते 5,000 दे दिए किसी का मोबाइल, हमें किसी का मोबाइल के मेरे को अपना दे दो। बोलता है नहीं अपना मोबाइल तो एटीएम ठीक नहीं है, हमें एटीएम क्यों ठीक नहीं है मेरे पास। बोलते फिर मेरे को बोलते संपर्क को देगा अभी बोल रहे। नाम बताओ आपका? श्यामल कुमार शाह। नमस्कार। ये थे श्यामल कुमार शाह, जो कि अपने आप को एक ठगावा महसूस कर रहे हैं और सरकारी मदद के नाम पर 1 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात है कि ठगने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया उससे भी सतर्क रहना जरूरी है। सबसे पहले उनको इनको एक तरीके से एटीएम कार्ड के लिए मोटिवेट किया गया, जिससे कि इनको एहसास हो सके कि जो व्यक्ति संपर्क कर रहा है वो बैंक से ही है, और उसके बाद ये ठगी का खेल शुरू हुआ। तो सभी से एक तरीके से कहना होगा कि जो लोग इस तरह के खेल में हैं उनको इससे सतर्क रहना होगा, नहीं तो इस तरह के मामले लॉकडाउन में और भी सामने आ सकते हैं। दीप नागौरा के साथ सीताराम पारसर, स्वामी न्यूज। ठीक है, ये ऑनलाइन ठगी का मामला है, क्या है इसमें? अभी इनसे पूरी जो श्यामल शाह के पास से जो लगभग 90,000 या 1 लाख के आसपास जो भी इनके पैसे निकले हैं उनसे संबंधित पूरी डिटेल ली है, अपने बैंक स्टेटमेंट लिया, इस संबंध में जानकारी कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि मुलजिम को हम पकड़े। सर लॉकडाउन में इस तरह के कई मामले आ रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से इस तरह के मामले? जनता से यही है कि आप लोग कोई भी जैसे बैंक संबंधी कोई भी कॉल आता है, आपके कोई ओटीपी पूछता है तो आप उसको ओटीपी नहीं बताएंगे। बैंक कभी भी आपका ओटीपी नहीं पूछता या आपकी बैंक डिटेल फोन के जरिए नहीं पूछेगा आपको। अगर ऐसे कोई कॉल आते हैं तो आप संबंधित ब्रांच में जाकर संपर्क करें।